हे गाइस, लेट्स कुक विद सुचिता चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्रीमी एंड चीज़ी व्हाइट सॉस में ब्रोकली और मिक्स वेज की रेसिपी बताऊंगी। ब्रोकली में विटामिन के और सी पाया जाता है। ये इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है और ये कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है। हार्ट के लिए भी अच्छा होता है, आइज़ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है और एंटी एजिंग भी है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये बहुत हेल्दी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं नए वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए देखिए कैसे बनेगा। इसके लिए मैं एक गाजर ली हूँ छोटा साइज़ का और 8-10 बीन हैं पतले वाले एकदम, ये फ्रेंच बीन है। और मैं कॉर्न ली हूँ स्वीट कॉर्न, मटर ली हूँ हरे ताज़े मटर ली हूँ और ब्रोकली के पीसेस ली हूँ। मैं स्टीमर में पानी बॉईल कर रही हूँ और सब्जियों को स्टीम करने के लिए मैं रख दी हूँ स्टीमर में और इसे मैं 5 मिनट तक स्टीम करूँगी। मैं ढक्कन लगा के स्टीम करने रख दी हूँ। अब ये स्टीम हो रहा है, आइए खोल के दिखाते हैं। 5 मिनट हो चुका है, देखिए सारे सब्जियां स्टीम हो गए हैं और कलर भी बहुत अच्छे आए हैं। अब मैं कढ़ाई में बटर ली हूँ, ये 1 टेबल स्पून होगा बटर। इसे मैं मेल्ट कर रही हूँ। इसमें मैं 1 छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ और इसी में मैं अदरक डाल दे रही हूँ 1 छोटा चम्मच और 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें लहसुन बारीक काट के डाली हूँ। इन सब को भून रही हूँ, इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है, बहुत हल्का भूनना है। और 1 छोटा प्याज मैं इसमें काट के डाल रही हूँ, प्याज को भी इसी में भूनना है, हल्का गुलाबी करना है। प्याज गुलाबी हो चुका है, अब मैं इसमें गाजर डाल दे रही हूँ, बीन्स डाल दे रही हूँ। इन सबको थोड़ा देर भून करके फिर मैं इसमें मटर डाल दे रही हूँ, ये ताजे मटर हैं। अब मैं स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ, आपके पास बेबी कॉर्न हो तो बेबी कॉर्न भी बारीक काट के डाल सकते हैं। अब मैं ब्रोकली डाल दे रही हूँ, स्टीम करने से कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है वेजिटेबल्स का। इन सबको सौते कर रही हूँ मैं। अब मैं इसमें कॉर्न स्टार्च डाल दे रही हूँ 2 चम्मच। कॉर्न स्टार्च को भी सब्जियों के साथ मैं भून ले रही हूँ 2 मिनट के लिए। ये सब प्रोसेस स्लो फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे नहीं ये सब प्रोसेस करिएगा। भून चुका है कॉर्नस्टार्च, अब मैं इसमें 1 गिलास दूध डाल रही हूँ, रूम टेम्परेचर पे है दूध, इसे डाल रही हूँ।
इन सबको मिक्स कर दे रही हूँ। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च डाल रही हूँ और हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। अब मैं ऑरिगेनो डाल रही हूँ 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। और इन्हें मैं 2 मिनट के लिए ढक के पका रही हूँ। ढक्कन खोल दी हूँ। अब मैं इसमें चीज़ डाल रही हूँ। मैं इसमें 2 चेडा चीज़ का स्लाइस डाल रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, आप प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं, आपके पास जो भी चीज़ हो वो डाल लें। चीज़ मेल्ट हो गया है और देखिए व्हाइट सॉस भी गाढ़ा हो गया है। सब्जी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी क्रीमी लग रहा है, काफ़ी ठीक कंसिस्टेंसी आया है। अब इसे मैं एक बाउल में निकाल ले रही हूँ, ये ठंडा होने के बाद और थिक हो जाएगा। ये काफ़ी टेस्टी बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसे ज़रूर बनाएं अपने यहाँ और अपने अनुभव मुझसे शेयर करें। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।